वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब मोहतरम जामिया महमूदुल मदारिस मसूरी व नायब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश। الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد। हजरत गिरामी, इस वक्त आप हजरात का ये इजलास बड़ी खैर खूबी के साथ इख्तिताम की तरफ जा रहा है। माशाअल्लाह ये मदरसा हमारे कारी मोहम्मद साबिर साहब की सरपरस्ती में काफ़ी वक्त से चल रहा है और इसका फैज़ गांव में इलाके में बेहमदिल्ला आम और ताम अल्लाह के फजल से हो रहा है। किसी मदरसे का किसी बस्ती में कायम हो जाना ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। जब मदरसा बस्ती में ना हो और आप अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाना चाहें, कुरान करीम की तालीम बच्चों को दिलाना चाहें, तो आपको सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें। इत्तेफाक से इलाके में भी कोई मदरसा ना हो तो और ज़्यादा हमारी फिक्र बढ़ जाती है कि अपने बच्चों को हम अपने से कैसे जुदा करें, दूर दराज का सफ़र बच्चों को कैसे कराएं, तो ये सारी फिक्रें हमारी बढ़ जाती हैं। लेकिन जिस बस्ती में और जिस इलाके में मदारिस इस्लामिया कायम हो, ये उस बस्ती पर और उस इलाके पर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम होता है। तो माशाल्लाह आपके दहरे में ये मदरसा मालूम हुआ है कि कुछ बच्चों की दस्तारबंदी भी होगी, तो इससे मालूम हो रहा है कि ये मदरसा अल्लाह के यहाँ मकबूल भी है। जिस मकसद के लिए मदरसे को कायम किया जाए, अगर वो मकसद वहाँ पूरा हो रहा हो, हाफिज बनाने के लिए, आलिम बनाने के लिए, दीन सिखाने के लिए मदरसा कायम किया गया और वहाँ से हाफिज आलिम तैयार होने लगे, तो ये समझ लो कि वो मदरसा वो इदारा अल्लाह के यहाँ मकबूल है। तो आपके इस मदरसे से हाफिजों की जमात निकल रही है, तो ये अलामत इस बात की है कि अल्लाह ने इस मदरसे को कबूल फरमा रखा है। तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम हमारे ऊपर है कि हमें अल्लाह ने हमारी बस्ती में ही मदरसा आता फरमा दिया। अब मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का कानून और अल्लाह का उसूल क्या है? जब अल्लाह कोई नेमत देते हैं तो अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहते हैं? कुरान करीम में जो मैंने एक आयत पढ़ी है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अल्लाह का दस्तूर ये है और अल्लाह ये चाहते हैं अपने बंदों से कि जब हम तुम्हें कोई नेमत दें, तुम्हें कोई इनाम दें, तो उस नेमत और इनाम पर हमारा शुक्र अदा करो। अल्लाह शुक्र चाहते हैं।
और फरमाते हैं कि अगर तुम हमारी नेमत पर, हमारे इनाम पर हमारा शुक्र अदा करोगे तो लाअज़ीदन्नकुम, हम उस नेमत को और बढ़ा देंगे, तुम्हारी वो इनाम और बढ़ जाएगा। वलाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुमने नाकदरी की, नाशुक्री की, उस नेमत का हक अदा न किया तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर हम उस नेमत को भी छीन लेते हैं और हमारी पकड़ भी आ जाती है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझिए कि अल्लाह ने हमारी बस्ती में अपने कुरान को पढ़ाने के लिए, हमारे अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए अल्लाह ने हमें मदरसा दे दिया। पहले जमाने में लोग एक एक आयत और एक एक हदीस को सीखने के लिए कितनी तकलीफें उठाते थे, कितनी मशक्कतें झेलते थे, भूखे प्यासे कितने लंबे लंबे सफर करते थे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदी अल्लाहु ताला एक बहुत बड़े सहाबी गुजरे हैं। मदीना मुनव्वरा में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के करीब उनका मकान था और वो तलाश में रहते थे, सहाबा के पास जाते रहते थे, ढूंढते रहते थे कि किसी ने अल्लाह के रसूल की जुबान से कोई हदीस सुनी है तो मैं उनसे वो हदीस सीख लूं। इस फिक्र में लगे रहते थे। इन्हें मालूम हुआ कि मुल्क शाम के अंदर एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस रदी अल्लाह ताला अन्हु है और उनके पास एक हदीस है जिसको हदीस क़िसास कहा जाता है। उन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबाने मुबारक से वो हदीस सुनी है, लेकिन जाबिर इब्ने अब्दुल्ला को वो हदीस किसी ने नहीं सुनाई, किसी से वो हदीस इन्होंने न सुनी न सीखी। जब इन्हें मालूम हुआ कि मुल्क शाम के अंदर एक सहाबी, उनके पास एक हदीस है, तो ये बेचैन हो गए और इन्होंने मुल्क शाम के सफर की तैयारी की। कहते हैं, इश्तरैतु लहा बईरन सुम्म शददतु अलैही रहलन सुम्म सिरतु अलैही शहरन। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने सबसे पहले तो एक ऊंट खरीदा। एक हदीस सीखने के लिए क्या तैयारी है कि सबसे पहले मैंने एक ऊंट खरीदा, फिर मैंने उस ऊंट पर बैठने के लिए कजावा कसा। कजावा वो लकड़ी का जो ऊंट के ऊपर बैठने के लिए रखा जाता है, उसको कजावा बोलते हैं। फिर फरमाया कि मैं उस ऊंट पर सवार होकर एक महीने तक मैं चलता रहा, कुछ खाने पीने का सामान मैंने अपने साथ ले लिया था, वो सामान रास्ते में खत्म हो गया। अब भूख और प्यास जब लगती थी तो मैं रास्ते में कहीं तो दरख्तों की छाल और कहीं पर दरख्तों के पत्ते तोड़कर अपनी भूख और प्यास मिटाता था। इस मशक्कत और तकलीफ के साथ मैंने सफर किया। एक महीने में मुल्क शाम में मैं पहुंचा मदीना मुनव्वरा से। और एक बात और समझ लीजिए, मस्जिद नबवी में रोजाना ये पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे और मस्जिद नबवी में एक नमाज पर अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब देते हैं।
एक नमाज आपने अपनी मस्जिद में पढ़ी और वही नमाज जाकर मदीना मुनव्वरा में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में पढ़ ली, तो आपको उस नमाज पर 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। तो 5 नमाजें रोजाना पढ़ते थे, 2.5 लाख नमाजों का सवाब रोजाना हासिल कर रहे थे। लेकिन इल्मे दीन का सीखना, कुरान और हदीस का सीखना इतनी बड़ी चीज है कि 2.5 लाख नमाजों का ये कुर्बानी देना 2 महीने तक, 1 महीना जाने का, 1 महीना आने का, इस पर इतना अजर नहीं है कि 2 महीने तक आदमी 2.5 लाख रोजाना सवाब कमाता रहे नमाजों का। और एक शख्स वो है जो एक हदीस, कुरान की एक आयत, दीन की एक बात सीखने के लिए कहीं पर जा रहा है, तो अल्लाह के नजदीक ये रोजाना 2.5 लाख नमाजों का सवाब कमाने वाला उसका इतना मकाम नहीं है जितना उस हदीस को सीखने वाले का मकाम है। उसका मकाम बड़ा है इसके मुकाबले में। तो बहरहाल ये मुल्क शाम पहुंच गए और जाकर के वहां लोगों से अब्दुल्ला इब्ने उनैस रजी अल्लाह तआला का पता मालूम किया। लोगों ने उसका रास्ता बता दिया, घर पर पहुंच गए, जाकर के उनके दरवाजे पर उन्होंने कुंडी बजाई। जब इन्होंने कुंडी बजाई तो ऊपर से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने झांक करके देखा और फरमाया, मैं यकरउल बाब, अरे भाई कौन है जो हमारे दरवाजे को बजा रहा है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊपर मुंह उठाकर जवाब दिया, अना जाबिर इब्न अब्दुल्ला, मैं जाबिर इब्ने अब्दुल्ला हूँ। पूछा, कौन से जाबिर? वो जाबिर जो सहाबी रसूल है। कि हाँ, मैं वही हूँ। तुम तो मदीना मुनव्वरा रहते हो, मुल्क शाम का इतना लंबा सफर करके तुम यहाँ कहे के लिए आए? क्या जरूरत है तुम्हें यहाँ आने की? इन्होंने अपना मकसद बयान किया कि मैंने यहाँ डाल दिया। अपना मकसद इन्होंने बयान किया कि मैंने सुना है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबाने मुबारक से आपने एक हदीस सुन रखी है, और वो हदीस मैंने नहीं सुनी, किसी भी सहाबी की जुबान से नहीं सुनी। उस हदीस को सीखने के लिए मैंने इतना लंबा सफर किया है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपना मकसद बयान किया तो ऊपर से उन सहाबी ने फरमाया कि मैं बैठक का दरवाजा खुलवाता हूँ, आप बैठक में तशरीफ रखें और मैं उतर के नीचे आता हूँ, आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। चाय पानी से फरागत के बाद जो हदीस आप मुझसे सुनने के लिए आए हैं वो हदीस मैं सुना दूंगा। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला हदीस सुनने के लिए इतने बेचैन थे कि इन्होंने अर्ज किया कि अब्दुल्ला इब्ने उनैस, मैं बहुत बड़ी कुर्बानी दे करके आया हूँ और बड़ी मशक्कत का सफर झेल करके आया हूँ इस हदीस को सीखने के लिए। आप नीचे उतर कर आएंगे, फिर बैठक में बैठेंगे, फिर चाय पानी का इंतजाम करेंगे, मौत का कुछ पता नहीं, इतने वक्फे में तुम्हें मौत आ जाए या मुझे मौत आ जाए तो मेरा तो मकसद सारा रह जाएगा, इसलिए आप सबसे पहले मुझे वो हदीस सिखा दीजिए। उन्होंने जब इनकी बेचैनी देखी तो ऊपर से मुंह निकाल कर उन्होंने हदीस बयान की
और बयान किया कि अल्लाह का दरबार लगेगा, तमाम इंसान तमाम जिन्नात अल्लाह के दरबार में होंगे, मैदान हश्र कायम होगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से यूं फरमाएंगे कि सुन लो, ला यबगी लि अहद मिन अहलिल जन्ना अन यदखुलल जन्ना वलि अहद मिन अहलिन नार अलैहि हक हत्ता अकुसहु। सुन लो, आज ये इंसाफ का दिन है, आज ये हक दिलाने का दिन है, किसी का हक मारा नहीं जाएगा। अगर कोई दुनिया में किसी का हक मार के आया है तो सुन लो, जन्नत वाला जब तक जन्नत में नहीं जाएगा, अगर उसके जिम्मे किसी का हक है, जब तक मैं उसका बदला उससे न दिलवा दूं, जब तक जन्नत वाले को जन्नत में नहीं भेजा जाएगा। फिर अल्लाह फरमाएंगे और सुन लो, वला यम्बगी लि अहद मिन अहलिन नार अन यदखुलन नार वलि अहद मिन अहलिल जन्नति अलैहि हक हत्ता अकुसहु। और सुन लो, अगर तुम में से कोई जहन्नमी है जिसको जहन्नम में जाना है, अगर जहन्नम वाले के जिम्मे भी किसी का हक है, जहन्नम वाला जब तक जहन्नम में नहीं जाएगा, जब तक हम उससे उस हक वाले का बदला न दिलवा दें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो मैदान महशर की घड़ी इतनी सख्त घड़ी होगी, लोग पसीनों में डूबे हुए होंगे, गुनहगार लोग, और गर्मी का ये आलम होगा कि लोग अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह तू हमारे लिए चाहे जन्नत का फैसला कर या जहन्नम का फैसला कर, इस मुसीबत से हमें नजात दे दे जो मैदान महशर की मुसीबत है। तो ये थी वो हदीस किसास। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस ने ऊपर से ही इनको ये हदीस सुना दी और फिर इनसे कहा कि अब तो बैठ जाओ बैठक में, अब चाय पानी कर लो। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने अर्ज किया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बड़ा कीमती वक्त छोड़ करके आया हूँ, ढाई ढाई लाख नमाजों का रोजाना का सवाब छोड़ करके आया हूँ, अब मुझे आप इजाजत दे दीजिए। और उल्टे पैरों ही ये लौट गए, न चाय पानी किया न कुछ हदीस सुनी, फौरन वापस। और एक महीने में फिर वापस पहुंचे, दो महीने का सफर एक हदीस सीखने के लिए किया। तो ये था पहले जमाने में एक एक हदीस और एक एक कुरान की आयत को लोग इतनी मशक्कत उठा करके सीखते थे। अल्लाह हमारे उन अकाबिर की, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, और उस वक्त के जितने भी अकाबिर उलमा हैं जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद हमारे देवबंद के अंदर रखी और उसका फैज पूरे मुल्क में, और पूरे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां पर दारुल उलूम देवबंद का फैज कुरान और हदीस का पूरी दुनिया के अंदर न पहुंच रहा हो। तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा फजल है ए दहरे वालों कि खुदा ने तुम्हें ये मदरसा दे दिया। अपने इस मदरसे की कदर कर लो, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप अपने बच्चों को इस मदरसे में कुरान की तालीम सीखने के लिए और दीन की तालीम सीखने के लिए और अपने आप भी कुरान सीखने के लिए, तुम बड़े बूढ़े हो गए कोई हर्ज नहीं, तुम भी कुरान सीखने के लिए अपना वक्त निकालो कि हमें भी सीखना है। हदीस पाक में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अगर तुम मौत के वक्त अपने लिए आसानी चाहते हो और अपनी मौत को शहादत की मौत चाहते हो
और हशर की गर्मी में अल्लाह के अर्श का साया चाहते हो और जिस वक्त तराजू में नामे आमाल तोले जाएंगे उस वक्त में अपनी नेकियों का पलड़ा झुका हुआ चाहते हो, अंधेरे में उजाला चाहते हो और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना चाहते हो, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस हालत में दुनिया से जाओ कि तुम कुरान सीख रहे हो। कुरान सीखते सीखते दुनिया से जाओगे, अल्लाह तुम्हारी मौत को शहादत की मौत लिखेंगे और ये सारी चीजें तुम्हें हासिल होंगी। गर्मी में अल्लाह अर्श का साया देंगे, तराजू पर आमाल नामा तुलने के वक्त में तुम्हारी नेकियों का पलड़ा झुका हुआ होगा, अंधेरे में अल्लाह नूर आता फरमाएंगे। तो ये सब चीजें कुरान सीखने वालों को मिलेंगी। और फरमाया जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कुरान सीखते सीखते तुम्हें मौत आ गई, आज शुरू की थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम की आयत पढ़ना और सीखना शुरू किया था और सुबह को मौत आ गई, अल्लाह के यहाँ इस सीखने वाले का इतना ऊंचा मकाम है कि अल्लाह तबारक व ताला इसकी कब्र में फरिश्ते को मुतय्यन फरमा देंगे और पूरा कुरान पढ़ने का, नाजरा का, हिफ्ज का जो भी इसने इरादा किया है अल्लाह कब्र में फरिश्ता मुतय्यन फरमा कर इसको पूरा कुरान कब्र में पढ़वा देंगे। और फरमाया जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसकी कब्र की जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते तांता लगाकर इस तरह से उतरेंगे जैसा कि तुम खाने काबे की जियारत के लिए हज करने के लिए पूरी दुनिया से खिंच खिंच कर जाते हो, इस तरह से कुरान सीखने वाले की कब्र की जियारत फरिश्ते करेंगे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पहला शुक्र ये है, खुद भी कुरान सीखो, अपने बच्चों को भी कुरान सिखाओ। और दूसरा शुक्र और इस नेमत की कदर यह है कि जब जब भी इस मदरसे को जरूरत पड़े खर्चे की, पैसे की, आप अपनी जान से भी हाजिर रहे और अपने माल से भी हाजिर रहे। माशाल्लाह, छोटा सा मजमा लेकिन आप हजरात ने अपने इस इदारे के लिए ये कितनी बड़ी कुर्बानी दी। 5000 मांगे तो 5 दे दिए, 10 मांगे तो 10 दे दिए, 2000 मांगे तो 2000 दे दिए, 500 मांगे तो 500 दे दिए। माशाल्लाह, अंदाजा हो रहा है कि दहरे वाले अपने मदरसे के लिए कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार है। अल्लाह तबारक व ताला आप हजरात को सबको जजाए खैर अता फरमाए और आपकी नुसरत और मदद फरमाए और अल्लाह आपके कारोबार में खूब बरकत और तरक्की अता फरमाए। एक बात मुझे आप लोगों से, मदरसा चलाने वालों से, कारी साबिर साहब से और इस स्टेज पर मदरसे वाले जितने लोग बैठे हैं, ये बात मुझे इनसे अर्ज करनी है। आइंदा इस वक्त हम जिस दौर में चल रहे हैं, हालात उम्मते मुस्लिमा के लिए बड़े खराब हैं। आपकी नस्लों को बर्बाद करने की स्कीमें बन चुकी हैं, स्कूलों के जरिए से तय हो चुका है, तालीमी पॉलिसी बन चुकी है कि मुसलमानों के बच्चों को अपने स्कूलों में लाजमी जबरी हमें बुलाना है और कोर्स स्कूल का तय हो चुका है, गुजरात में नाफिज हो चुका है के जो हमारे धर्म की किताबें हैं, भगवत गीता गुजरात में स्कूलों में जारी हो चुकी है, रामायण और जो दूसरी मजहबी किताबें हैं वो सब अपने स्कूलों के कोर्स में ये दाखिल करेंगे। अब तक सेकुलरिज्म ये मुल्क माना जाता था, स्कूलों का कोर्स सेकुलरिज्म था, किसी मजहब की किताब की स्कूल के कोर्स में इजाजत नहीं थी,
लेकिन अब ये लाजिम होगा कि हिंदू धर्म की किताबें पढ़ाई जाएंगी, और उसके साथ ये भी लाजिम होगा आपका 4 साल से लेकर 18 साल तक का बच्चा, उसका स्कूल में जाना लाजिम होगा। आप न मदरसों में भेज सकते हैं और न अपने कामों में लगा सकते हैं। 4 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे को स्कूल में भेजना लाजिम होगा, वरना आप मुजरिम माने जाएंगे। हमने इंग्लैंड में, लंदन में जाकर के देखा है, वहाँ ये कानून है। और बच्चे चाहे मुसलमान का हो या ईसाई का हो, सब उन स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। सुबह सवेरे निकल गए और 2:30-3 बजे वो बच्चा घर लौटता है, उनको दीन सिखाने का वक्त नहीं मिल रहा है। और वो लोग उन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? स्क्रीन लगी हुई है स्कूल में, और सेक्स के तरीके स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, छोटे छोटे 4 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उनको वो सिखाया जा रहा है। सेक्स का तरीका ये भी है, ये भी है, ये भी है, बिल्कुल अय्याशी और फहाशी और बेहयाई वो हो रही है। अब जो मुसलमान है वो फिक्रमंद है कि हम अपने बच्चों को दीन कैसे सिखाएं। तो उन लोगों ने, बेचारों ने, चूंकि स्कूल के वक्त तो स्कूल जाना लाजिम, तो उन्होंने अपनी मस्जिदों में 2 घंटे का कुरान करीम का निजाम और दीनी तालीम का निजाम रखा है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और दो दो शिफ्ट भी उसमें चलती है मस्जिदों में। तो वहां उस्तादों का इंतजाम किया जो उन बच्चों को कुरान सिखाते हैं, दीन सिखाते हैं। तो कहीं हमारे ऊपर ये हालात ना आ जाएं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो आज हमारे यहाँ की पॉलिसी भी ये तय हो चुकी है कि सब बच्चों को स्कूल में लाना है, और हम इनके जहन ऐसे बनाएंगे, इनके दिल में ऐसी चीजें उतारेंगे कि हमें ये बने बनाए काफिर और मुशरिक मिले और इनका ईमान का खात्मा हो जाए। हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। अभी आप हजरात ने देखा, हिजाब कोई पाबंदी नहीं थी, कॉलेजों में कोई पाबंदी नहीं थी। कर्नाटक का आपने वाकया सुना, हिजाब पहनकर लड़कियां जाती थी कॉलेज में, तालीम हासिल करती थी। लेकिन अचानक कानून आ गया हुकूमत का कि हिजाब नहीं पहना जाएगा। अदालत में केस गया, अदालत ने भी फैसला दे दिया कि हिजाब ये इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है। कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ गया। अब हमारी वो बच्चियां, कोई 10वीं क्लास में, कोई 12वीं में, कोई उससे ऊपर, वो महरूम हो गई इल्म से, इम्तिहान देने से। तो ये हालात कुरान करीम में लोग कहते हैं कि पर्दे का कोई हुक्म नहीं। उलमा हजरात और हुफाज हजरात, कुरान करीम में पढ़ा है सबने, या अय्युहन नबी कुल लिअज़्वाजी का वो बनाती का वनिसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। ए नबी, आप अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी कह दो, और ईमान वाली औरतों से भी कह दो, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, वो अपने ऊपर जिलबाब डाल करके रखें, जिलबाब ओढ़े। जिलबाब उस चादर को कहा जाता है जो सर से लेकर पैर तक पूरे जिस्म को ढके हुए हो, और सिर्फ एक आंख खुली हुई हो, वो होता है जिलबाब। एक आंख खोले औरत, बाकी उसका पूरा बदन सर से लेकर पैर तक उस चादर में ढका हुआ हो। ये अल्लाह का हुक्म है, नबी को हुक्म मिला कि उन औरतों से कह दो, ईमान वाली औरतों से। आज ये लोग, उन्हें दीन का पता नहीं, अदालत में ऐसे लोग चले जाते हैं, उनके सामने जज कोई फैसला कर दे वो बहस नहीं कर सकते।
उलमा तो वो है नहीं। तो हिजाब ये जिलबाब इस्लाम का एक अहम फरीजा है औरतों के लिए। तो आपकी औरतों के आपकी बच्चियों के पर्दे को उतरवा कर उनको बेनकाब किया जा रहा है, उनको नंगा किया जा रहा है। कॉलेजों में स्कूलों में ऐसा लिबास ऐसा यूनिफॉर्म दिया जा रहा है कि उनकी टांगे भी खुल गई, उनका सर भी खुल गया। ये सर के बाल जैसे सतर नाप से लेकर घुटनों तक है औरत का, ये बाल भी इसी तरह का सतर है। इनको भी छुपाना ऐसा ही फर्ज है, पिंडलियों को छुपाना भी ऐसा ही फर्ज है। नमाज नहीं होगी अगर बाल खुले हुए होंगे, ये पिंडलियां खुली हुई होंगी। तो इस्लाम का एक अहम फरीजा उसको मिटाया जा रहा है और अदालतें भी फैसला दे रही हैं। तो अब आप गौर कर लो कि कल हम किन हालात में आएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मैं अपने तमाम अहले मदारिस से, चाहे वो छोटा मदरसा चला रहे हो या बड़ा मदरसा चला रहे हो, सबसे मैं दरखास्त कर रहा हूं अपने मदरसों में स्कूल का मजबूत निजाम कायम कर लो। कुरान करीम के साथ साथ आप ही संभालेंगे इस निजाम को भी। हर मदरसे में हर मकतब में स्कूल की तालीम इतनी मजबूत और इतनी पुख्ता हो कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए जाएं तो आपके बच्चे उन सब पर फाइक हो। इतना मजबूत निजाम और ये उलमा को संभालना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने मदरसों के निजाम को, अपने मदरसों के रजिस्ट्रेशन को और अपनी मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन को और अपने मदरसे के हिसाबों किताब को, इनको सबको बिल्कुल सही कर लो। हर मदरसे वाला अपने हिसाब का ऑडिट कराए, हर मदरसे वाला अपने मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराए, हर मस्जिद वाला अपनी मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कराए। वरना कल वो वक्त आ रहा है, बिल्डोजर का बार बार तज़किरा सुन चुके हैं, एलएमसी की जमीन पर कोई मस्जिद बनी हुई हो, कोई मदरसा बना हुआ हो, आपके पास उस जमीन के कोई कागजात ना हो, तो इन मदरसे मस्जिदों पर भी बिल्डोजर चलेगा और रोकने वाली कोई ताकत नहीं होगी। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और ऐ देहरे वालों, आप अपने गांव की फिक्र कर लें इस एतबार से कि हमें अपनी मस्जिदों को भी वक्फ बोर्ड में इनका रजिस्ट्रेशन कराना है, मदरसे वाले अपने मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराएं और हिसाबो किताब अपना इतना मजबूत रखें, ऑडिट कराएं हिसाबो किताब का कहां से आया, इसकी तफसील भी आपके पास मौजूद हो, कहां खर्च हुआ इसकी तफसील भी आपके पास मौजूद हो। अगर आपके पास ऑडिट नहीं होगा तो कल को इस पर भी आपके ऊपर हमला किया जा सकता है। आप इस जुर्म में पकड़े जाएंगे, आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई कहां से बनाई, इसका सबूत दो, कहां कहां से लाए आप। तो इस तरह से अपने सारे निजाम को हमें मजबूती के साथ लेकर के चलना है। अल्लाह का फजल है, मसूरी आपकी मेन जगह है इस इलाके की, वहां पर एक इदारा चल रहा है, अभी 27 साल उसकी उम्र हुई है। अल्लाह का फजल है कि वहां पर अलिफ बाता से लेकर बुखारी शरीफ तक कुरान करीम की तालीम का इंतजाम और हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त इंतजाम, और अब आइंदा उसके जो मंसूबे हैं इंटर कॉलेज उसके लिए जमीन का इंतजाम हो गया, उसका नक्शा तैयार हो रहा है। कोरोना के जमाने में हमने जो हालात देखे कि हमारे साथ अस्पतालों में क्या रवैया इख्तियार किया गया, सबने देखा। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि एक अस्पताल भी इंशाअल्लाह इस इलाके के लिए हम बनाएंगे। उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है, उस पर काम शुरू हो चुका है।
अल्लाह हर गांव में ये समझ आता फरमा दे कि अस्पताल भी हर गांव में मौजूद हो, जैसा जैसा जिस सलाहियत का हम बना सकते हैं अस्पतालों का भी अपना इंतजाम करें, अपने स्कूल और कॉलेजों का भी इंतजाम करें। अपने बलबूते पर हमें जीना है, किसी का मोहताज हमें नहीं बनना है। अपनी फिक्र आप कर लो, अगर ये फिक्र कर लोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें कोई आंख भर के देखने वाला नहीं है, और अगर दूसरों के मोहताज बने रहे तो तुम्हारी नस्लों को इनका ईमान खत्म करके ये गड्ढे के अंदर पहुंचा देंगे और बर्बादी और तबाही हमारे कदम चूमेगी और हम बर्बाद और हलाक हो जाएंगे। अल्लाह हमें समझ आता फरमा दे। हमने पैगाम पूरी उम्मत को देना शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह ये तहरीक हमारी मसूरी से उठकर देहरे में, खचरे में, बझेड़े में, हापुड़ में और दूसरे इलाकों में हम ये पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह मुसलमानों को समझ अता फरमा दे और अपने बलबूते पर ये जीना शुरू कर दें, किसी के मोहताज न बने। इंशाअल्लाह अगर हम इस तरह के हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत हमारा इंतजार कर रही है कि तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे लिए मदद के दरवाजे खोलेंगे। तुम कोशिश करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे। बस मुझे ये चंद बात अर्ज करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप हजरात को भी अमल की तौफीक दे। हमारे प्रधान जी इश्ते साहब, इनके लिए भी दुआ करो। माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने एक जियाला इस उम्मत के लिए पैदा फरमा दिया है और किसी को नुकसान देने वाले नहीं है, और माशाल्लाह दीन से और उलमा से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, मदरसों से भी बड़ी मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह इनकी चारों तरफ से, चारों सिम से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।